हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाइसेंस के बारे में बताने वाले हैं कि कतर में लाइसेंस कैसे बनता है और कैसे मिलता है। तो ये हमारे भाई हैं, इनके पास दो लाइसेंस है। ये रहा सऊदी का लाइसेंस इनका पहले का, और ये रहा कतर का लाइसेंस जो कि इन्होंने एक महीने पहले निकाला है। तो ये बताएंगे हमें कि क्या प्रोसेस रहा लाइसेंस निकालने में। ये रिटर्न आदमी है, इनके पास पहले से एक कंट्री का लाइसेंस है सऊदी अरब का। तो ये कतर आए, कतर आने के बाद इनका क्या प्रोसेस रहा लाइसेंस निकालने का, यानी इनको क्या क्या करना पड़ा, यानी रोड टेस्ट हो या फिर एल पार्किंग हो या कंप्यूटर पास हो, तो किस किस तरीके से इन्होंने लाइसेंस निकाला, क्या क्या किया इन्होंने, वो सब ये हमको बताएंगे अभी भाई। तो ये आपके पास पहले से सऊदी का लाइसेंस है, आपका नाम कोसर भाई, ठीक है। और ये रहा आपका कतर का लाइसेंस। ये देखिए कतर का लाइसेंस इनका लाइट लाइसेंस है ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया कतर में आए हुए? 4 महीने हो गए हमको आए हुए। 4 महीना? रमजान से पहले आए थे आप? हाँ, 10 जनवरी को आया था। 10 जनवरी को? तो आपको वीजा किसने दिया था? ये कार ड्राइविंग का मेरा दोस्त ने दिया था। वीजा तुम्हारे दोस्त ने दिया था? तो आपका कितना पैसा लगा कतर आने में? कतर आने में मेरा दोस्त वीजा दिया, 20,000 रुपए लगे मेरे आने में। 20,000 रुपए बस? देख रहे हो भाई, 20,000 रुपए लगे ओनली, यानी अपना अगर कोई वीजा दे तो कितना फायदा होता है। तो उसके बाद अक्सर मैंने यहाँ कतर में देखा है, टिकट भी अपना था ना, टिकट तुम्हारा था, तो उसमें 30,000 आ गया लगभग, 30 या 35,000। 40,000 रुपए लगे टिकट अपना, 20,000 रुपए 20,000 रुपए दोस्त ने लिए प्रोग्रेस का, मेडिकल और होटल। अच्छा, होटल तो भाई इनका 40,000 रुपए लगा पूरा कतर आने में। अपने आदमी का ये फायदा होता है। तो आप मुझको ये बताइए, मैंने अक्सर यहाँ कतर में देखा है एक एक साल हो गया लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, 2-2 साल हो गए लाइसेंस नहीं है। तो आप रिटर्न आदमी हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने मतलब कैसे निकाला ये एक महीने में लाइसेंस, आपको कैसे मिला, क्या प्रोसेस रहा आपका, सबसे पहले क्या हुआ, शुरू से बताएं। सबसे पहले तो आया लाइसेंस, कुछ बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहा था, सऊदी के लाइसेंस से। सऊदी के लाइसेंस से? वैलिड लाइसेंस था, वैलिड है ये। हाँ, वैलिड लाइसेंस था, तो उस पे चला रहे थे, उस पे चला रहे थे। तो एक महीना तो किसी बोला लाइसेंस के लिए, तो एक महीना तो किसी ने सुनवाई नहीं की, सुनवाई नहीं की कफील ने, बोला माफी मुश्किल सुख सैयारा फिर मौजूद रुखसा लाइसेंस। अच्छा, तुम्हारे पास सऊदी का लाइसेंस है, तुम चलाओ, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने अंदर भी डर था। सही, ऐसा ना हो कि जिस कंट्री पे जाओ उस कंट्री का लाइसेंस होना जरूरी है। सही है। हाँ, उधर देख के बोलो थोड़ा। उसके बाद बोलता रहा तो कफिल का भाई, तो हमसे बोला कि चलना है लाइसेंस के लिए सुबह 6 बजे अपॉइंटमेंट लेके, 8 बजे अपॉइंटमेंट मिला। अच्छा, उसका थोड़ा वास्ता था वहाँ पर, वास्ता तो, यानी थोड़ी जान पहचान थी उसकी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो सबसे पहले तो आपकी आईडी बनी होगी ना कतर की? मेरी कतर की आईडी बनी, वो पोस्ट ऑफिस द्वारा आती है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस द्वारा आती है। उसके बाद लाइसेंस का प्रोसेस कैसे चला, यानी कौन गए सबसे पहले, कैसे गए? 8 बजे हम पहुंचे वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल। ड्राइविंग स्कूल रैयान में? रैयान में नहीं, दोहा में। अच्छा, दोहा में ड्राइविंग स्कूल में। दोहा ड्राइविंग स्कूल में। अच्छा, तो उसके बाद पहले तो मेरा एडमिशन ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन हो गया था एडमिशन? अच्छा, एडमिशन डेट नहीं मिल रही थी, लेकिन ऑनलाइन उसके मतलब की वास्ते से आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दिया था तुम्हारा, अप्लाई कर दिया था लाइसेंस के लिए, यानी आईडी से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन स्कूल में। आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था? अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो कफील के भाई ने करवाया। कफील के भाई ने अपॉइंटमेंट करवाया। अच्छा, फिर हम गए। हाँ, कितने दिन में मिल गया आईडी बनने के बाद अपॉइंटमेंट? 10 दिन 15 दिन? हमको नहीं पता, हमको जैसे कल जाना है। हाँ, तो आज बताया रात में कि सुबह 8 बजे तुमको वहाँ पे पहुँचना। अच्छा, है ठीक। तो वहाँ तो पहुँचे हम। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? सबसे पहले आँखों का टेस्ट हुआ। आँखों का टेस्ट होने के बाद आधे घंटे तक की बैठे रहे एडमिशन के, वो वहाँ कंप्यूटर रूम में जाने के लिए, कंप्यूटर रूम में जाने के लिए। हाँ, तो उसके बाद एक ऐप्स ड्राइवर गाइड का मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया, उससे सीखने को मिल रहा था। ये निशान किस चीज का, यहाँ पे गाड़ी रोकना है, यहाँ पे नहीं रोकना है। सही। तो 40 सवाल में 38 का जवाब देना था। 40 में 38 का जवाब देना है, जवाब देना कंप्यूटर में, यानी साइन बोर्ड होते हैं कि यहाँ पर रुकना है, यहाँ स्टॉप होना है, या राइट लेफ्ट या जिंग जैंग रोड, सब तरीके का। ठीक, फिर तो उसके बाद आंखों के टेस्ट के बाद आपने फिर क्या किया? कंप्यूटर गाइड समझने के लिए ऐप दिया। हाँ, तो हम उसमें समझने के बाद जब समझ लिया, तो उसके बाद कंप्यूटर रूम में गए। अच्छा, कंप्यूटर रूम में 10 आदमी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिसर का आदमी, इजिप्ट का आदमी रहता है, मास्टर वो रहता है, कोचिंग का टीचर रहता है अंदर जाने के लिए, और ऑफिसर किसी को अंदर नहीं, सिर्फ जो जिसका नंबर आएगा वो जाएगा जिसका नंबर आएगा अंदर जाके बैठे हैं, जो हमने मोबाइल में याद किया था। उसके बाद अंदर रूम में गया कंप्यूटर में, सही सवाल, वही सवाल की लिस्ट आ गई पूरी, है ना, कंप्यूटर के अंदर आ गई। कितनी स्पीड में ये चलाना है, ये कौन सा साइन बोर्ड है, यहाँ पे हॉर्न बजाना है, यहाँ रूल नियम पूरा। हाँ,
उसके बाद 38 जवाब दिए, आपका एक भी जवाब गलत होगा तो हाँ, बाहर, फिर 50 रियाल आप हाँ, जमा करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, फिर टेस्ट होगा। तो आपने उसको हमने जब हाँ, दो रिटर्न, घंटे हाँ, रिटर्न आदमी थे, आपको दिक्कत नहीं हुई इतनी ज्यादा, परेशानी उससे पहले सऊदी में भी दिया था हमने। अच्छा, तो मालूम था, तो हमको मालूम था। फिर उसके बाद कंप्यूटर पास किया, कंप्यूटर पास होने के बाद फिर बाहर आए, मेरा नंबर आ गया ड्राइविंग टेस्ट के लिए रोड पे। रोड पे तो आपकी एल पार्किंग नहीं हुई, पॉकेट पार्किंग नहीं हुई? सबसे पहले तो आपको सीट पे बैठना है, नहीं पॉकेट पार्किंग का आपका सब टेस्ट होना, नहीं सब होना, सब हुआ था, रुको बता तो हाँ, रहे, सब होना। हाँ, बताओ। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठे आप, हाँ सही, सीट अपना एडजस्ट करो, एडजस्ट करो ठीक, सीट करने के बाद शीशा राइट और लेफ्ट हाँ, का सही सही करो, बीच सही, वाला भले जितना भी सही हो लेकिन आपको सही करना है, क्योंकि आपके बगल में हाँ, पुलिस वाला बैठा है, पुलिस बैठती है, हाँ राइट, इधर पुलिस बैठता है, इधर वो देखता पुलिस, है क्या हाँ क्या करेगा, उसके पास एक वो होता है, क्या बोलते हैं लिस्ट, उसके अंदर वो सवाल होते हैं क्या क्या आदमी ये करेगा क्या क्या नहीं, तो हाँ। वो पास करता है ठीक। उसके बाद एडजस्ट करके शीशा देख के, ये वाला शीशा देख के, बेल्ट लगा के देख सही, के, रोड पे कोई आ तो नहीं रहा, इशारा सही, दे के हाँ निकल जाओ, निकल जाइए आप, ठीक है। हाँ रोड टेस्ट होगा, उसके बाद राउंड अबाउट आएगा, हाँ राउंड अबाउट राउंड सही, अबाउट, राउंड अबाउट में गाड़ी आपको चलाना है, हाँ ठीक कैसे है। चलाओगे आप वो देखेगा पुलिस हाँ वाला, पुलिस वाला देखे कैसे आप हाँ राउंड अबाउट में चला रहे गाड़ी, हाँ गाड़ी रोड पर टेस्ट होता है, अंदर नहीं होता है, हाँ बाहर रोड, लेकर जाते हैं रोड पे हाँ रोड चलवाने के चलती लिए, फिरती रोड होती है, हाईवे पे लेकर जाते हैं रोड टेस्ट के लिए। अच्छा हाईवे फिर, पे या रोड पे सिटी में हाँ सिटी में चलवाते गाड़ी आ हैं, जा रही है। हाँ हाँ उसके बाद रोड टेस्ट लेने के बाद अगर आप सही चला रहे हो तो वहीं से ओके कर देगा कि अच्छा चलो ओके कर भाई, देगा, ओके पास कर करेगा, देगा, पास नहीं हाँ करेगा, और पार्किंग के लिए पास करेगा आपको। अच्छा पार्किंग के हाँ लिए पास करेगा, अच्छा तो फिर रोड पर चलाने के बाद पार्किंग पे आएंगे आप, हाँ एल पार्किंग करना है आपको। हाँ ठीक है। इस टाइप से कार जाती है स्लैब में ऐसे हाँ ऊपर, स्लैब ऊपर ऐसे जाती ऊपर है, राइट हो जाती है, जैसे जाना है वैसे ही हाँ नीचे वैसे आना, ही फिर बैक में आना है, ऐसे ही बैक राइट में में आना है, ठीक है। इसी हाँ टाइप से। अच्छा वो हुआ तुम्हारा, वो हुआ, वो वो पास होने किया के, तुमने? वो पास किया, उसके बाद अच्छा पॉकेट पार्किंग पे। अच्छा पॉकेट पार्किंग होती है, हाँ पॉकेट यानी पार्किंग, एक चकोर एरिया बना हुआ होता है, यानी चारों तरफ से चकोर होता है वो एरिया, उस चकोर एरिया के अंदर हमें गाड़ी डालनी है ठीक है, जो हमारी गाड़ी है उसे हाँ पॉकेट पार्किंग बोलते हैं, बैग में ले जाके डालनी है हमें गाड़ी वो ठीक है, उस तो पॉकेट पार्किंग लगाई, पॉकेट पार्किंग हाँ लगाने के बाद इशारा दे के फिर अच्छा निकाल के ऊपर ले गए, फिर अंदर थोड़ी गाड़ी चलाई, फिर सही, बोला कुछ बोला नहीं, उतर गए। फिर दूसरे का नंबर, तीन लोग होते ना हाँ पीछे, तीन लोग होते हैं दो सही, पीछे एक, हाँ हम तीन हाँ लोग जब होते हैं, टेस्ट तो देते हैं मेरा सही, टेस्ट ओके हो गया, हाँ तो हम उतर के फिर हाँ दूसरा आदमी बैठ गया, ठीक है, अच्छा दूसरा ड्राइवर बैठ गया इधर हाँ चलाने के लिए। वो सही, हमको नहीं पता कि हम पास हैं कि फेल है, हमको हाँ अंदाजा लग रहा था कि हम पास हो गए। अच्छा आपको लग रहा हाँ था, क्योंकि वहां पे हाँ वो टैब लिए बैठा रही था, जो ओके हाँ होता है टैब वहां होता से है वो, उसके हाथ हाँ में सही, वो ओके करेगा वो अंदर हाँ जाएगा, अंदर जाएगा सही, अंदर जाने के बाद हाँ स्क्रीन लग रही थी, उधर आप बैठो जाकर आपका नाम आएगा, अगर आप पास हाँ हो गए तो हाँ पास लिख कर आएगा, अगर आपको हाँ फेल हो गए तो फेल हाँ लिख कर आएगा, अच्छा बस ये तो है। फिर तुम ये सब टेस्ट देने के बाद जो वेटिंग रूम है उसके अंदर गए वेटिंग होंगे, रूम में स्क्रीन लगी हुई स्क्रीन थी, लगी हुई है उस पर उस, सबका नाम आ रहा था, आईडी हाँ नंबर आ आईडी रहा नंबर था, नाम आ रहा था, कौन आईडी कौन पास है कौन फेल है, पास है कौन तो आपका फेल है। जब आया तो आपको कैसा फील हुआ जब आपने हम तो देखा पास? पुराने थे, हाँ पुराने थे, अच्छा पुराने थे, एक्सपीरियंस हाँ था पहले एक्सपीरियंस का, था, हमें पता था हम निकाल देंगे हाँ लाइसेंस। रिटर्न आदमी पुराना है, आदमी नया आदमी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम लाइसेंस की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कतर है छोटा सा, हाँ सही गाड़ियाँ हैं बहुत बहुत चलाने के सही लिए। सही सही है, स्क्रीन पे देखा कि हम पास हो गए, उसके बाद अपना मेरा लाइसेंस, हम गए अंदर, 250 रियाल फीस जमा करा 5 साल का, हाँ मेरा लाइसेंस ओके हो गया, 5 साल का वैलिड। 5 साल का वैलिड तो हो गया। दोस्तों आपने देखा ये रिटर्न आदमी है, इनके पास दो लाइसेंस है, सऊदी का पहले से है और ये इनका कतर का लाइसेंस है लेटेस्ट, तो इन्होंने किस तरीके से अपना लाइसेंस निकाला एक दिन में, तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा वीडियो अच्छे तरीके से, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इन्होंने भाई ने हमें बताया एक्सपीरियंस दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।